नमस्कार दोस्तों, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ कुलदीप रावत, और रोज की तरह मैं आपके साथ एक नए व्यक्ति, नए चर्चित चेहरे अनुकृति गुसाई जी को लाया हूं। और इस टाइम पे अनुकृति गुसाई जी एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसी महिला हैं जो इस कोरोना महामारी में लोगों के लिए आगे आई है। उन्होंने एक बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़ा है अपने उत्तराखंड के लोगों के लिए, और आज वो हमारे साथ है और वो बताएंगे कि ऐसा मतलब क्या उनके मन में विचार आया, क्यों उन्होंने उत्तराखंड के लोगों के लिए इतना बड़ा त्याग किया। तो सब चीज़ उनसे जानेंगे डिटेल में। प्रयास हमारा जारी रहेगा कि पहाड़ के हर लोगों को आपके सामने लाना। तो आज हमारे साथ अनुकृति गुसाई जी हैं, सीधा कोटद्वार से। उनको अनुकृति जी, मोस्ट वेलकम आपका। हेलो, बहुत धन्यवाद कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। बस बढ़िया बढ़िया। अनुकृति जी, मैं चाहता हूँ कि आपके बारे में लोगों को कई बातें नहीं पता होगी, तो हम डिटेल में ए टू जेड जानेंगे आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। तो हर चीज के बारे में मैं चाहता हूँ लोगों को जानकारी मुहैया हो सके हम लोगों के माध्यम से, जो हम ये इंटरव्यू ले रहे हैं आपका। सबसे पहले अनुकृति जी, मैं चाहता हूँ कि आप जो आपके बचपन की शुरुआत हुई उस चीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, और उसके बाद जो आपने आगे की ग्रेजुएशन जो पढ़ाई करी वो कहाँ से करी, थोड़ा इसके बारे में हम लोगों को डिटेल में बता दीजिए। कुलदीप, मैं सबसे पहले तो जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं अभी इस चैनल के माध्यम से, और मेरे ख्याल से ये पहाड़ का राही करके आप एक सोशल नेटवर्क चला रहे हैं, एंड दिस इज अ सोशल आई थिंक साइट व्हिच इज रियली नाइस। और मैं सोचती हूँ बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव भी है, सो दैट हम लोग बहुत लोगों से और बहुत सारे लोग जो हैं वो आपसे जुड़ पाए। और एक्चुअल में जो सिनेरियोज हो रहे हैं पहाड़ में, और मैं सोचती हूँ कई बार बहुत मददगार भी होता है, तो उसके लिए आपको भी, पहाड़ के राही को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, बहुत अच्छा काम एक युवा के रूप में आप आज उत्तराखंड के अंदर कर रहे हैं। मुझे बहुत हमेशा एक खुशी होती है इस बात को कहते, और मैं सोचती हूँ अभी मैं वापस, ये मेरे लिए फ्लैशबैक है, जब मेरा जन्म लैंसडाउन में हुआ। लैंसडाउन एक हिल स्टेशन है पौड़ी गढ़वाल में, अगर सब जानते होंगे तो। बहुत बहुत सुंदर सा ये एक छोटा सा शहर है, और शहर भी नहीं कहूँगी, छोटा सा कस्बा है जहाँ मैं जन्मी। और उसके बाद मेरी स्कूलिंग 12th तक आर्मी पब्लिक स्कूल लैंसडाउन से हुई है, और आई थिंक मेरे गोल्डन पीरियड में उसको अपनी लाइफ का कहूँगी, क्योंकि स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जब आपकी ज़िंदगी में वो आपको शेप करता है एज अ न्यू इंडिविजुअल और एज अ बेटर इंडिविजुअल आई बिलीव। और मेरी स्कूलिंग मेरी लाइफ में बहुत इम्पैक्टफुल रही है, क्योंकि सोचिए एक लैंसडाउन जैसी जगह से स्कूलिंग करने के बावजूद मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं एक बहुत छोटी जगह से निकल कर कहीं जा रही हूँ, क्योंकि वो स्कूलिंग इतनी पावरफुल थी। और इसके लिए मैं सबसे सोचती हूँ सबसे ज़्यादा श्रेय जिसको जाता है वो मेरी फैकल्टीज हैं, जो हमारी टीचर्स वहाँ थे, या मैं कहूँ कि मेरी प्रिंसिपल एक थी सुश्री माया कोटी, तो मैं उनका हमेशा इसलिए जिक्र भी करती हूँ कि बहुत शानदार तरीके से उन्होंने स्कूल की ग्रूमिंग की थी, बच्चों की ग्रूमिंग की थी, जिस तरीके से वो लैंग्वेज को बहुत प्रेफरेंस देती थी। और मुझे लगता है कि वो एक ऑलराउंडर स्टूडेंट के जैसे मुझे वहाँ उभरने का मौका मिला। और मैं सोचती हूँ जब हम स्कूल जाते हैं तो बहुत छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल मिट्टी के जैसे होते हैं, और उस मिट्टी को शेप देने का काम मेरे स्कूल ने मुझे किया है। तो ये था जब तक मैं 12th में थी, तब तक मैं आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। तो आगे की जो पढ़ाई आपने पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन आपने करी वो कहाँ से करी? मैं 12th के बाद मैं इंजीनियर बनने के लिए देहरादून आई, और DIT से मेरी इंजीनियरिंग पूरी हुई है। तो प्रोफेशन से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और 4 साल अपनी इंजीनियरिंग पूरी करी है मैंने। तो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन सी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है, जावा, .NET, PHP? As a software engineer, I think basic मुझे C बहुत पसंद थी, फिर Java obviously it's a connecting language, let's see की किताबें हम सब जितने भी engineers हैं इतनी मोटी किताब सबके पास मिलती है, तो I always preferred Java. Java was that time was a very powerful language. I think अब Python बहुत strong हो गई है, तो मुझे Python भी equally अच्छी लगती है, it's a very comfortable language to work on. तो कभी काम किया मतलब इन लैंग्वेजेस पे कि डायरेक्ट बीटेक के बाद मॉडलिंग में? बहुत नहीं, मैंने बहुत काम किया है, बहुत प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं, और उसके बाद जब मैं कॉग्निजेंट में मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जैसे रूप में नौकरी भी की है, और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर
कॉग्निजेंट यूएसए की एक कंपनी है, अमेरिकन बेस्ड एमएनसी है, और उसमें मैंने काम किया है. आई हैव हैड माय एक्सपीरियंस इन बिग डेटा, हडूप में मैं काम कर रही थी, डेटा वेयर हाउस मेरा डोमेन था. तो मैंने काफी प्रैक्टिकल एक्सपोजर इसमें लिया एंड आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड. मतलब जनरली लोगों को लगता है कि लड़कियां कोडिंग में अच्छी नहीं होती है, लड़कियां सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं हो सकती, बट आई हैव हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टेक्निकली आल्सो. ओके नाइस. अच्छा एक सवाल मेरा पर्सनली ये है कि जब कॉलेज में एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है जो खासकर फाइनल ईयर में सबमिट करना होता है, तो बी फ्रैंक वो प्रोजेक्ट खुद बनाया था या उस प्रोजेक्ट को जो है कहीं से, जैसे बाहर जाकर कॉलेजेस में होता है कि इधर उधर से चेप चाप के और चुरा के कहीं से परचेज करके दिए, खुद बनाया था वो? See, I will not boast so much about me. लेकिन क्योंकि जब मैं कॉलेज की फोर्थ ईयर में थी तो ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में कर रही थी और मेरे पैजेंट्स भी चल रहे थे. तो मेरी जो टीम थी, पता है आपको कि प्रोजेक्ट टीम होती है, एक चार या पांच लोगों की आपको टीम बनानी होती, तो वो बहुत शानदार थी. तो उन्होंने सब बनाया मेरे लिए, मैंने बस सबमिशन किया और लास्ट में उसका थ्योरी पढ़ी थी कि ये हमने बताया. हाँ, प्रेजेंटेशन अपने प्रोजेक्ट की जरूर मैंने दी थी, बिकॉज मैं हमेशा अपने जो भी प्रोजेक्ट बनते थे उनका फेस, आई यूज्ड टू बी द फेस ऑफ आर प्रोजेक्ट, तो वो मैं जरूर थी. बट हाँ, टेक्निकल काम उसमें मैंने नहीं किया था, आई विल नॉट लाइक दैट, क्योंकि जो लोग चार लोग मुझसे जुड़े होंगे अगर कभी देखेंगे सो दे शुड आल्सो नो दैट आई हैव एक्नॉलेज्ड. ओके ओके कूल. तो कभी सोचा था कि मॉडलिंग में जाऊंगी और इस टाइप से जो है मिस इंडिया बनूंगी, मिस ग्रैंड इंडिया टाइप का जो आपने अवार्ड जीता वो इस टाइप से आगे बढ़ूंगी, कभी सोचा था इस टाइप से? इनिशियली तो नहीं सोचा था, बिकॉज आई विल बी वेरी वेरी फ्रैंक, आई थिंक इनिशियली व्हेन आई वाज इन लैंसडाउन आई हैव नेवर इवन गिवन इट अ थॉट. मतलब मुझे लगता है मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि क्या होता है कि मेरा कोई बैकग्राउंड इससे रिलेटेड नहीं है. दूसरी चीज, आप जानते हैं कि जब हम पहाड़ के बच्चे जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे कुछ ही एस्पिरेशंस तब होते थे, आई डोंट नो अब बच्चे थोड़े और ज्यादा प्रोग्रेसिव हो गए हैं. सो एट दैट टाइम I wanted to become an IAS. That was my vision when till class 12th. तो वो धीरे धीरे ambitions बदलते रहते हैं. But till 12th मुझे लगता था कि नहीं, मुझे administrative services में जाना है. और you know what? I think I don't know, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, but जब मैं class 12th में थी, I was my school topper with 90.38%. And I think at that time it was a good score. और मैं बहुत चेरिश भी करती हूँ उस चीज़ को कि मैंने सोचा था कि नहीं, मुझे बोर्ड 12th बोर्ड टॉप करना है और मुझे तो IAS बनना है एंड दिस इज माय एम्बिशन. सो आई थिंक दैट टाइम मेरा थॉट प्रोसेस चीज़ों को लेके बहुत डिफरेंट था. बट इवेंचुअली जब मैं कॉलेज में आई एंड देन यू नो आई रियलाइज्ड कि देर आर मोर ऑप्शंस एंड यू नो आई कैन फिट, मतलब मैं और चीज़ों को भी एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ. तो जैसी जैसी अपॉर्चुनिटीज मिलती गई मैं जिंदगी में बढ़ती गई. ग्रेट, गुड. अच्छा तुषित जी से आप कहाँ पे मिले, मतलब कहाँ पे मुलाकात हुई? तुषित, एक्चुअली तुषित और मेरे पेरेंट्स, हम दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे को काफी समय से जानते थे, क्योंकि जो मेरे फादर लॉ हैं वो लैंसडाउन विधानसभा से 10 साल तक विधायक रहे हैं और मेरा जो घर है वो लैंसडाउन में है. तो मेरे पेरेंट्स और तुषित के पेरेंट्स का काफी बहुत सालों से फैमिली रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं. तो मुझे पहली बार तो याद नहीं है कि मैं कहाँ मिली थी, बट आई थिंक जब छोटे कभी रहे होंगे तो तब मिले थे. बट आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है तुषित को मैं आई थिंक वी मेट इन गोवा, लाइक नहीं वी मेट इन देहरादून आल्सो आई गेस एट तुषित्स प्लेस. या आपकी आवाज नहीं आ रही कुलदीप, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा याद नहीं है मतलब क्लियरली कहाँ मिले थे. नहीं, मगर इतने टाइम से एक दूसरे को जानते थे हम कि ये मैं फर्स्ट मीटिंग नहीं कह सकती, पर जितना मुझे याद है मुझे लगता है कि तुषित के घर पे मैं उससे मिली थी. ओके तो आगे मतलब जो शादी की प्लानिंग थी वो पहले से थी या जो है सडनली, मतलब ये आपके अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? ये मेरा इंटरव्यू है या फिर ये कॉम्बिनेशन? शादी की प्लानिंग तो आई डोंट थिंक, मतलब इनिशियली तो इट वाजंट देयर, वी वर फ्रेंड्स एंड बहुत लंबे समय तक हम दोस्त रहे और आई थिंक इवेंचुअली देन वी डिसाइडेड कि नाउ वी जस्ट वांट टू लिव टुगेदर. एंड आई थिंक समटाइम्स यू जस्ट गेट टू नो, आपको लगने लगता है दैट ही इज द वन एंड दिस इज द राइट पर्सन, दिस इज अ पर्सन यू वांट टू सेटल डाउन विद. एंड आई थिंक आई हैव वो, मुझे वो दैट फीलिंग वाज देयर एंड आई थिंक आई एम वेरी लकी इन दैट टर्म्स दैट आई गॉट मैरिड टू तुषित. Nice. तो जब आपकी शादी हो गई, आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री पहले छोड़ी थी आफ्टर शादी के बाद जो आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वहां से छोड़ी थी?
हाँ दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो जब आई थिंक व्हेन आई गॉट मैरिड टू तुषित तो लाइक देयर वर टू ऑप्शंस. सो तुषित वाज ऑलवेज रेडी. ऐसा नहीं है कि कभी मुझे तुषित ने कहा कि नहीं तो मेरे साथ देहरादून चलो. सो ही वाज ऑलवेज रेडी. ही हैड दिस दैट इफ यू वांट टू कंटिन्यू योर करियर इन इन मुंबई यू कैन स्टे बैक एंड आई विल ऑल बिकॉज ऑब्वियसली ही वो यहाँ अपना बिजनेस देखते हैं तो एनी वेज ही हैज टू बी इन इन देहरादून. बट द पॉइंट इज कि मैं 2017 में ही मन बना चुकी थी इनिशियली इन द मंथ ऑफ जनवरी कि मैं अपने उत्तराखंड के लिए और मैं पहाड़ में अपने एनजीओ के रूप में सोशल सर्विस के रूप में अपनी सर्विसेज देना चाहती हूँ. क्योंकि जब मैंने 2017 में मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया था तो उससे पहले मेरा एक हमारा हमेशा ब्यूटी कॉन्टेस्ट में देर इज अ कॉन्टेस्ट कॉल्ड ब्यूटी विद अ पर्पस. तो उसको लेकर एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है ये. तो उसमें मैंने ऋषिकेश में एक उड़ान स्कूल है सो उसको मैंने अडॉप्ट किया था एंड आई यूज टू मतलब मैं बहुत फ्रीक्वेंटली वहाँ जाती थी. वहाँ बहुत छोटे छोटे स्लम के बच्चे पढ़ते हैं. सो दैट प्रोजेक्ट उस प्रोजेक्ट को मैं काफी साल से कंटिन्यू कर रही थी एंड आई थिंक दैट प्रोजेक्ट आई टुक फॉरवर्ड ऑल्सो. उसी प्रोजेक्ट को लेकर मैंने मिस इंडिया में भी पार्टिसिपेट किया था एंड दैट वॉज माई ब्यूटी विद अ पर्पस. बट इवेंचुअली आई रियलाइज कि दिस इज अ प्लेस वेयर आई थिंक अगर मैं वापस यहाँ आके कुछ करना चाहती हूँ विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी ऑल्सो. मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं अगर अपनी कम्युनिटी को अपने घर को कुछ वापस दे सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ यू नो अ सर्विस टू देम. आई थिंक मुझे खुद से भी एक ये इंटरनल एक सेटिस्फैक्शन है मेरा. तो उसको सोच के मैं 2017 में मैंने मन बनाया था कि मैं वापस उत्तराखंड सेटल हूँगी एंड ऑफकोर्स मेरी शादी हो गई उत्तराखंड में सो दैट ऑल्सो एन एड ऑन. तो वो एक और अच्छा उसके साथ एड ऑन हो गया एंड आई थिंक दैट एक्चुअली मेड मी मोर स्ट्रॉन्गर इन टर्म्स ऑफ कि मैं अपना योगदान और मजबूती के साथ आज समाज में दे पा रही हूँ. नाइस ग्रेट. तो जो आपकी ये संस्था है महिला उत्थान एवं बाल कल्याण जो संस्था है ये मतलब अभी किस किस क्षेत्र में कार्य कर रही है और उत्तराखंड में पूरे उत्तराखंड में कर रही है पर्टिकुलर अभी कोई एरियाज आपने सेलेक्ट करें कि इस एरियाज में हम काम करेंगे? नहीं कुलदीप एक्चुअली महिला उत्थान बाल कल्याण संस्थान अभी पूरे उत्तराखंड के अंदर काम कर रही है. कोई हमने स्पेसिफाई नहीं किया है. हमें जहाँ लगता है कि जरूरतमंद लोग हैं या जहाँ पे हम उस कम्युनिटी को पर्टिकुलरली हेल्प कर सकते हैं. और एक और चीज होती है जितने लोग हमसे कनेक्टेड हैं एक्चुअली क्या होता है कि हम लोगों तक तब कनेक्ट कर पाते हैं जब हमें वहां से कोई रिप्रेजेंटेटिव मिलता है. क्योंकि तो हमें मालूम नहीं पड़ता कि यहाँ इस जैसे अगर मैं बात करूँ लैंसडाउन की या तो वहां तो मुझे पर्सनली मालूम है कि कहाँ पे कैसी कैसी स्थिति है कहाँ पे क्या कंडीशन है कौन सी जगह कहाँ पे. सो दैट आई पर्सनली नो. लेकिन अगर मैं बात करूँ हरिद्वार की तो हरिद्वार में कहाँ पे मुझे वो अपने ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने चाहिए या कहाँ पर मैं किसको किस तरीके से मदद कर सकती हूँ वो वहीं के कोई रिप्रेजेंटेटिव मुझे जरूर मदद कर देते हैं. एंड आई थिंक इस तरीके से आज उत्तराखंड के अंदर प्रदेश के अंदर हमने काफी जिले जैसे मैं कहूँगी हरिद्वार जिला देहरादून जिला पौड़ी डिस्ट्रिक्ट और आई थिंक ये तीन है हमारे पास हल्द्वानी हमारे पास है और हाँ तो चार जिलों के अंदर अभी हम काम कर रहे हैं. रुद्रप्रयाग में हम काम कर रहे हैं. पांच जिलों के अंदर अभी हमने अपना जो काम है वो चालू किया है. अच्छा इसका जो डोमेन है एक तो हम कोशिश कर रहे थे कि महिलाओं को प्रशिक्षण देके उनको आत्मनिर्भर बनाएं जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में उत्तराखंड आई थी. अब साथ ही साथ क्योंकि जब कोविड इतनी तेजी के साथ पूरी मैं सोच रही उत्तराखंड क्या पूरी दुनिया में फैल रहा है तो उसको लेकर भी हमने एक बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट प्लान जनरेट किया जिसके अंदर हमने एक ब्रांड डेवलप किया जिसमें विच इज इटसेल्फ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं. ये उन लोगों के लिए हमने शुरू किया जो लोग घर आज वापस आ गए हैं या गाँव में जिनका रोजगार नहीं है या समझिए जैसे अगर मतलब इसको स्पेशली हमने पहाड़ों के लिए रखा है. उसका नाम भी मैंने इसीलिए ये डिटेल्स रखा है ताकि ये सिर्फ पहाड़ के लोग से ज्यादा उनको बेनिफिट मिल पाए. पहाड़ के लोग अभी इसमें कहाँ कहाँ के लोग मतलब ज्यादातर इन्वॉल्व हैं क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि हम लोग ना जो खासकर देहरादून कोटद्वार और हल्द्वानी इन जगह बैठे हुए होते हैं तो हम पहाड़ों की बात तो जरूर करते हैं लेकिन पहाड़ में हम कोई काम नहीं करते. तो वही मैं जानना चाहता हूँ आप पहाड़ में कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं पहाड़ अच्छा हाँ वेरी वेरी नाइस. एक्चुअली क्या होता है ना कुलदीप मैं वही आपसे कहना चाह रही हूँ क्योंकि मैं खुद जब लैंसडाउन से हूँ जब मैं खुद उस ऐसी जगह से मैंने आपसे कहा ना वो आप पर्सनली फील कर सकते हो. जब आप बड़े जिन पहाड़ों में हुए होते हो जहाँ आपका बचपन बीता होता है तो सोचती वो जगह आपकी जिंदगी में बहुत स्पेशल होती है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. और मेरे लिए क्योंकि लैंसडाउन हो वो चाहे मैं कहूँ डूंगरी हो या मैं कहूँ भेटी हो या आप समझते हो एकेश्वर हो क्योंकि कुछ जगह है. मेरी माँ क्योंकि प्राइमरी में टीचर थी अभी भी तो अब तो अभी भी पढ़ाती हैं तो एक गवर्नमेंट टीचर होने के नाते बहुत जगह ट्रैवल करती रही. कभी उनकी पोस्टिंग एकेश्वर आई कभी उनकी पोस्टिंग डुंगरी आई कभी नैनी डांडा आई कभी शरण महादेव आई कभी एकेश्वर आई. तो उनके साथ मैंने बचपन में बहुत सारा पहाड़ घूमा है
और होता क्या है कि वो एक कुछ यादें होती हैं जो आपसे हमेशा जुड़ी होती हैं. एंड आई थिंक इसी एस्पेक्ट में हम पहाड़ में, अगर आप पूछें तो हम कोटद्वार के अंदर काम कर रहे हैं, हम लैंसेडॉन में, जेरी खाल के अंदर, गुमखाल के अंदर, समखाल में हमारे सेंटर है, बीरो खाल में हमारे सेंटर है. हम बहुत जल्दी नैनीडांडा में अपने सेंटर्स खोलने जा रहे थे, धूमाकोट नैनीडांडा, बट ये कोविड के वजह से, क्योंकि लॉकडाउन हो गया तो हम आ नहीं पाए. और आई थिंक बहुत जल्दी ये मेरा प्लान भी है कि हम नैनीडांडा धूमाकोट वाली बेल्ट में अपने सेंटर जरूर चलाएंगे. नाइस, ग्रेट, होपफुली मैं भी आपके साथ कनेक्ट होऊंगा. अगर आप नैनडांडा यहाँ धुमाकोट में अपने सेंटर्स का उद्घाटन करेंगे, ओपन करेंगे, तो डेफिनेटली आई विल कनेक्ट विथ यू. और मुझे भी अच्छा लगता है यहाँ पे जो है खासकर महिलाओं के लिए काम करना, क्योंकि अगर हम मातृशक्ति, खासकर पहाड़ों में क्योंकि महिलाओं की संख्या ज्यादा है, अगर हम महिलाओं को यहाँ पे रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए प्रेरित करेंगे कि आप सिर्फ घास काटने के अलावा आप और भी काम कर सकते हैं अगर छोटी सी पहल की जाए, तो वही है, अगर आप पहल करेंगे तो बिल्कुल मेरा भी पूरा साथ आपके साथ रहेगा. अनुकृति जी, एक सवाल आपसे है कि जब आप सोशल वर्क करती हैं तो एज ए आपके जो फादर इन लॉ है वो मिनिस्टर भी हैं, तो उनका क्या रोल रहता है आपके साथ इस संस्था में? वेल आई थिंक उनका बहुत मेजर रोल है. और मैं, क्योंकि हमेशा जहाँ भी मैं जाती हूँ, जब भी मैं किसी को एड्रेस करती हूँ, तो उनके रोल की बात मैं इसलिए करती हूँ, दो चीज़ें, इसलिए नहीं कि वो मेरे फादर इन लॉ है, मेरे ससुर जी हैं, इसलिए मैं उनसे कह रही हूँ या इसलिए मैं उनका जिक्र कर रही हूँ. इसका रीज़न एक बहुत सॉलिड रीज़न है. अगर मैं इसको आप सोशल एस्पेक्ट में देखेंगे तो बहुत सॉलिड रीज़न है. देखिए, हम जब महिला उत्थान की बात करते हैं या महिला विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कुलदीप कि मेल्स प्ले इक्वल रोल इन दैट. क्योंकि क्या होगा, जब जब आपके घर के पुरुष अपनी महिलाओं को बराबर मान के, कोई भेदभाव ना करके, उनको भी आगे बढ़ने का इक्वली मौका देते हैं, आई थिंक देर वहां पे हम कहते हैं कि अब हमारा समाज बदल रहा है. तो पापा की बात मैं इसलिए हर जगह करती हूँ क्योंकि मुझे इस, ऑब्वियसली ये करा मैंने है या कर मैं रही हूँ, लेकिन ये सोच, ये विजन मुझे उनसे मिला है. और जितनी बार मैं उनसे बात करती हूँ, जब भी हम घर में हमारा डिस्कशन होता है, तो वो मुझे हमेशा समाज में एक अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करते हैं. उनका, उनकी कई बातें मैं हमेशा अपने भाषणों में भी कहती हूँ कि वो हमेशा कहते हैं कि कुछ काम, अनुकृति, जिंदगी में कहीं छपने के लिए नहीं करने चाहिए, कभी सिर्फ न्यूज़पेपर्स के लिए नहीं करने चाहिए, कुछ काम सिर्फ लोगों के दिलों में छपने के लिए करो. कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज का कि उस बात की मुझे पब्लिसिटी मिली कि नहीं मिली, इस बात से मुझे मीडिया कवरेज मिला कि नहीं मिला. सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जो लोग उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं ना कुलदीप, दे विल नो इट कि वो कितनी मदद वो ऐसी कर देते हैं कि उसको सिर्फ वो पर्सनल लेवल पे आदमी जानता होगा, विच वो कहीं अखबारों में नहीं छपता. आई थिंक उनकी जो ये क्वालिटी है, ये मैं उनसे इनहेरिट करना चाहती हूँ. दिस इज समथिंग जो उनको एक बहुत अच्छा इंसान बनाती है. तो उनका, और आई थिंक ऑन टॉप ऑफ इट, मेरे हस्बैंड का भी हमेशा, वो मुझे एक ही चीज सुशीत से हमेशा सुनने को मिलती है, इज लाइक, अनुकृति कुछ भी तुम बनो, लेकिन सबसे पहले तुम एक अच्छी इंसान बनो. एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब मैं खुद भी सोचती हूँ कि समाज में अगर आज आप कुछ देने के लायक हो, कुछ करने के लायक हो, तो जरूर करना चाहिए. सब कुछ अगर मैं सोचूं कि मैं अपने लिए बांध के बैठ जाऊं, देन दिस इज नॉट राइट. इफ यू कैन गिव बैक टू द कम्युनिटी, एवरीबडी शुड कम फॉरवर्ड और अपना कुछ ना कुछ जरूर योगदान देना चाहिए. मैं नहीं कह रही बहुत बड़ा योगदान आप दे दो, छोटा योगदान भी कभी कभी बहुत बड़ा एक बहुत परिवर्तन कर सकता बड़ा, है. राइट. सासू माँ के साथ आपके रिलेशन कैसे है? मतलब अक्सर देखा जाता है सासू माँ में और बहू के बीच तू तू मैं होती है, तो क्या आपके बीच में भी कभी ऐसा कुछ सीन क्रिएट हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं. आई थिंक ये एक बहुत बहुत, मैं कैसे बोलूँ, दिस इज स्टीरियोटाइप, आप समझ रहे, एक स्टीरियोटाइप इमेज है जो मैं सोचती हूँ बहुत साल पहले खत्म हो गई और अब हमको इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए. बिकॉज ऐसा, अब आई थिंक इस जनरेशन में शायद ऐसा आपको भी बहुत कम देखने के लिए मिलेगा. बिकॉज अगर मैं सिर्फ अपनी मदर लॉ की बात करूँ, शी इज रियली अ ब्यूटिफुल सपोर्ट टू मी. और मतलब बहुत, जैसे मैं सोचती हूँ एक बेटी के जैसे वो मुझे प्यार करती हैं और जिस तरीके से वो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जब एक माँ का साथ आपको मिलता है तो आप और मजबूत हो जाते हैं. सो इन माई केस आई थिंक माई मदर इन लॉ इज मोर लाइक माई फ्रेंड. तो ऐसा तो कभी मुझे ना ऐसा कभी सोचने का मौका मिला, ना ऐसा कभी मुझे मिला. सो या एक मेरा सवाल ये है कि ये मेरा सवाल नहीं, एक्चुअली जनता का ये सवाल है, जनता ये सवाल आपसे पूछना चाहती है. क्योंकि जब आप यहाँ राशन वितरण के लिए आई, जगह जगह आप राशन बांट रहे हैं, तो जनता के मन में सवाल उठ रहा है कि अनुकृति गुसाई 2022 की तैयारी कर रहे हैं. बहुत जमीनी लेवल पे ये बातें उठ रही है, तो क्या ये बात रियल है कि अनुकृति गुसाई 2022 में एमएलए का चुनाव लड़ रही है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं कुलदीप. आई थिंक अगर देखिए, अब इसकी, दिस इज सो फनी ऑल्सो,
आई थिंक अगर ये बात उठ रही है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लोग मुझे इस लायक समझ रहे हैं कि मैं उनको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ या उनका प्रतिनिधित्व कर सकती हूँ. सोचिए आपको या मुझे, मतलब आप या मैं, दोनों में से हम दोनों, या बात अगर आपको कोई कहे और मुझे कोई कहे, एक युवा होने के नाते हम दोनों को इक्वली खुशी होगी कि कोई हमें इस लायक समझ, अगर लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं दैट मीन्स वो हमें केपेबल समझ रहे हैं, तो मुझे खुशी है इस बात की. लेकिन जहां तक ये बात है कि मैं ऐसा सोच रही हूँ, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि आई हैव नॉट ये काम, मैंने अगर मैं किसी को राशन बांटने जा रही हूँ या मैंने कई सेंटर्स खोले या मैं पहाड़ में कुछ करने जा रही हूँ, तो उसका उसके पीछे जरूरी नहीं है कि एक रीजन हो. जरूर ऐसा होगा, क्योंकि अब ये बात देखिए बहुत नेचुरल बात है, ये मैं ये आपके कहने से पहले भी मुझे लग रहा था कि ऐसा आप जरूर पूछेंगे, क्योंकि देखिए स्वाभाविक है किसी भी आदमी को लगेगा कि पॉलिटिकल फैमिली से ये लड़की, पॉलिटिकल फैमिली से बिल्कुल, यहाँ पे आधे ज्यादा खासकर जो पार्टी के लोग हैं वो खासकर ये बातें कर रहे हैं, सब चुनावी प्रदर्शन हो रहा है, चुनाव के हो रहे हैं. तो आपको भी बता देते कि मैं ऐसा नहीं सोच रही, बट अगर ऐसी बात चल रही है तो चलने दो. मुझे नहीं, आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या अनुकृति गुस्साई 2022 में चुनाव लड़ना चाहती है? देखिए मैं अगर आप सिर्फ इस एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि लोगों को इसलिए ऐसा लग रहा है कि मैं वहाँ कॉन्टीन्यूसली आ रही हूँ, तो वो उनकी अपनी पर्सनल थॉट है. लेकिन मैं देखिए मुझे तो बहुत खुशी है इस बात की कि लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं. एक मतलब 25 से 26 साल की मैं होंगी, एंड आई थिंक इस उम्र में अगर मुझे कभी मौका मिला कि मैं अपनी अपने घर का प्रतिनिधित्व कर पाऊँ, तो मैं सोचती हूँ कि ये खुद में एक बहुत शानदार बात है. पर ऐसा पर्सनली मैंने कुछ सोचा नहीं है कि मैं 2022 में चुनाव लड़ूंगी या मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, ये ऐसा कोई थॉट मेरे दिमाग में नहीं है. पर हाँ, अगर ऐसी बात चल रही है तो मुझे उससे बहुत खुशी है और मुझे उससे और अच्छा करने के लिए मोटिवेशन मिलता है, और मैं सोचती हूँ बात चलती रहनी चाहिए. चलती रहनी चाहिए, चर्चाएं होती रहनी चाहिए, कहीं अच्छा भी होना चाहिए तो कहीं नकारात्मक सोच वाले भी लोग रहते हैं, लेकिन हमें अपना कार्य निरंतर करते रहना चाहिए. हमें किसी की सोच के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करना चाहिए. अगर कोई अच्छा कहता है तो बिल्कुल हमें उसे पॉजिटिव में लेना, कोई नेगेटिव भी कहता तो उसको भी हमें एक सीख के तौर पे लेना चाहिए कि यार ये कुछ कह रहा है. मैं बिल्कुल तुमसे सहमत हूँ, और मुझे लगता है कि यही सोच शायद इस जनरेशन को थोड़ा डिफरेंट बनाती है, यू नो आई पर्सनली फील. और देखो क्या बुराई, मैं तो कह रही हूँ कि क्यों लोगों को स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है, वो ये भी सोच सकते हैं कि क्या कोई एक युवा वहां से लड़े. मैं तो चाहती हूँ कि कुछ परिवर्तन हो, मैं ये नहीं कह रही कि मैं लड़ूं या कोई लड़े. अच्छा है अगर परिवर्तन के लिए लोग तैयार हैं, किसी युवा को अपनाने के लिए तैयार है, तो क्या बुराई है, अच्छी बात है. बिल्कुल युवाओं को मौका मिलना चाहिए, मैं तो खुद कह रही हूँ उस बात को. मैं तो आज मतलब मुझे मेंशन नहीं करना चाहिए, बट आप अगर पॉलिटिकल सिनेरियोस भी पूरे भारत के अंदर अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो दो तीन स्टेट्स में आपने देखा ही है, मतलब यू हैव पर्सनली सीन इट, कि जहाँ पे आप युवाओं को दबाने की कोशिश करोगे वहाँ विद्रोह पैदा होता है. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. उसका जो परिणाम है वो बहुत अच्छा निकल के भी कहीं नहीं आया. तो मैं वही कह रही हूँ, अगर युवा कहीं कुछ करना चाहते हो, लोग उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, तो मौका देना चाहिए. बिल्कुल, जनता जब किसी को मौका देने चाहे तो कोई किसी का क्या बिगाड़ सकता है, जब उत्तराखंड का अगर परिवर्तन करना है तो युवाओं को पॉलिटिक्स में आना ही पड़ेगा अनुकृति जी, ये बात ये डेफिनेटली. बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कुलदीप, आई थिंक ये बहुत अच्छा आपने कहा, और मैं ये हर युवा से उत्तराखंड के अंदर कहना चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स को सिर्फ पॉलिटिक्स समझ के गंदा कह के लोग छोड़ देते हैं. कई बार लोग कहते हैं अरे बहुत बेकार चीज है, छोड़ दो. लेकिन कब तक आप इसे गंदा कह के छोड़ते रहोगे, जब तक आप इसके अंदर खुद नहीं उतरोगे, जब तक आप किसी पे दोषारोपण करना आसान है कुलदीप, किसी पे उंगली उठाना आसान है, लेकिन उस जगह पे खुद आके तुम खुद लीड करके देखो ना. एक युवा होने के नाते कोई भी लीड कर सकता है यार, अगर आपके अंदर वो क्षमताएं, आगे आओ. और जरूर उत्तराखंड को शायद आज जरूर एक बहुत युवाओं की युवा एनर्जी की आवश्यकता है, और अगर हमारे युवा आगे आएंगे तो मैं सोचती हूँ बहुत परिवर्तन होंगे, क्योंकि सोच नहीं होगी, वो एनर्जी नहीं होगी बदलाव के लिए. आप सोचो एजुकेटेड यूथ अगर आगे आएगा, आप ये समझ सकते हैं एक इंजीनियर होने के नाते यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, एक नया विजन हमको मिलेगा. पानी लाना, पानी रोड, पानी बिजली की बातें नहीं करेंगे फिर हम, शायद किसी और एस्पेक्ट में हम बात करेंगे. यार पानी रोड बना दो, सब जगह बन गई रोड, ऑलमोस्ट ऐसा कुछ नहीं, पानी लाओ, बिजली लाओ, सिर्फ हम ये बातें नहीं करेंगे. हम एक नई दुनिया में, आज कहां दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, और अभी हम बिजली पानी में अटके हुए. तो मैं सोचती हूँ वो परिवर्तन, ये मैं किसी पॉलिटिकल घर की बेटी बहू होने के नाते नहीं कह रही, ये मैं उत्तराखंड के एक साधारण युवा होने के नाते कह रही हूँ, कि मुझे लगता है कि इस परिवर्तन की जरूरत है. आज यार आप सोचो उत्तराखंड के बारे में तुम कहीं बात करो, लोगों को लगता है बड़ा पिछड़ा प्रदेश है. आज सोचो मैं क्या कह रही हूँ, आज जरूरत है उस नई सोच की,
उस इनोवेशन की, और वो तभी आएगी जब आप नए लोगों को मौका दोगे, जब नहीं आप नई नई ऊर्जा को आप मौका दोगे। कुलदीप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आज जिस तरीके से पहाड़ का राही करके जो तुम ये चैनल चला रहे हो, मुझे जब तुमने मुझसे कहा कि इसका इंटरव्यू करना, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। जनरली मैं बहुत सारे इंटरव्यूज नहीं कर पाती अपने स्केड्यूल की वजह से, बट मैं इसमें इंटरेस्टेड थी बिकॉज मुझे लगा, मुझे पर्सनली मिलके भी तुमसे लगा कि किस तरीके से आज एक इंजीनियर पहाड़ में वापस आकर अपनी सेवाएं दे रहा है। सेल्फलेस सेवा है ये, इसमें कोई तुम्हें पैसा तो मिल नहीं रहा है, ये एक सेल्फलेस सेवा है जिसमें आई थिंक तुम कितने लोगों तक वो बातें पहुंचा पा रहे हो। कई बार इस तुम्हारे चैनल के थ्रू बहुत सारी स्कीम्स लोगों तक पहुंच पाती होगी, बहुत सारी सोच लोगों तक पहुंच पाती है। एक बात बता दूं अनुकृति, अभी तक कई लोगों को मेरे माध्यम से रोजगार मिला है, कई लोगों को जो है ऑर्डर्स मिले, जो बिजनेसमैन है उनको ऑर्डर्स मिले हैं। अगर कोई बकरियां बेच रहा तो उसको बकरियों का ऑर्डर मिला, कोई दालें बेच रहा उसको दालों का ऑर्डर मिला, क्योंकि मैं उसका मार्केटिंग इन नैनी डांडा एंड आई एम वेरी प्राउड। मैं सोच में ये आपसे कहना चाहती हूँ कि ये एक विजन है, ये एक थॉट है, तुमसे पहले किसी ने नहीं सोचा या सोचा होगा तो इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैं ये नहीं कह रही कि और चैनल्स नहीं होंगे, हैं, लेकिन अगर उस जगह जहाँ के जहाँ इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, अगर तुमने इसकी इनिशिएटिव लिया है, तुमने एक लीडरशिप ली है, तो उसके लिए तुम बधाई के पात्र हो। सिमिलरली मैं आज हर उस युवा से ये बात आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि अगर किसी युवा को लगता है कि उसके अंदर कोई पोटेंशियल है और कोई सोच है, कोई विजन है, उसको लेके वो आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको रुकने की जरूरत नहीं है, उसको आगे बढ़ना चाहिए। मैं सोचती हूँ उसको हौसला रखना चाहिए और चीजें बदलेंगी। मैं सिर्फ सोचूं कि मैं सिर्फ सरकार के भरोसे बैठ जाऊं या लोगों के भरोसे बैठ जाऊं कि वो बदलेंगे भैया, वो उस चीज को बदल, नहीं। अगर आप बदलाव चाहते हो, द चेंज यू वांट टू सी इन योरसेल्फ, बी ब्रिंग दैट चेंज इन यू। आई थिंक महात्मा गांधी वंस वेरी वेल सेड दिस, बी दैट चेंज, द चेंज व्हिच यू वांट टू ब्रिंग इन द वर्ल्ड। एंड आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप सच में परिवर्तन देखना चाहते हैं, उस परिवर्तन को आप खुद से शुरू करिए और आप बदलेंगे। बिल्कुल अनुकृति जी, मेरे साथ टूरिज्म एक्सपर्ट महिपाल रावत जी भी जुड़ चुके हैं, वो आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं। महिपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, और अनुकृति गुसाई जी बिल्कुल हमारे सामने हैं, और महिपाल रावत जी जो टूरिज्म एक्सपर्ट। नमस्ते जी, या आवाज आ रही है आपको महिपाल जी अनुकृति जी की? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच कुलदीप फॉर मी दिस इनविटेशन, एंड रियली आई अप्रिशिएट दैट गिवे दिस कंपनी इज डूइंग वंडरफुल थिंग्स इन द उत्तराखंड, एंड आई थिंक पवन विल बी आल्सो जॉइनिंग दिस। पवन इज नॉट राइट नाउ। अच्छा, ही इज नॉट देयर। ओके, या नाउ यू कैन आस्क मी लाइक व्हाटएवर यू वांट। So you can continue, you can continue and Kirti is right now on frame, so you can ask her. जी महिपाल जी। हाँ जी, सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा किया आपने जो डुमाकोट में, जो हमारे रिमोट एरिया में जाके और लोगों से मिला। मुझे इस चीज का एक पता करना है कि हम लोग वहाँ पे जो कल्चर, और अभी हम मैं सुन रहा था कल्चर की बातें कर रहे हैं, इस कल्चर को हम कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे? जी, आई थिंक महिपाल जी, जैसे मैंने अभी कुलदीप से भी कहा कि कुछ चीजें हमें अपने स्तर पर इम्प्रूव करनी जरूरी है। मतलब अगर मैं इम्प्रूवमेंट की बात करूँ और मैं ये पकड़ के बैठ जाऊँ कि कोई और आएगा और वो परिवर्तन हो जाएगा या मेरे लिए कोई ये कर देगा, दिस इज नॉट गोना हैपन। आज उत्तराखंड का कल्चर इतना समृद्ध है, मैं सोचती हूँ हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है वो इतनी समृद्ध है कि उसको सच में आज आवश्यकता है कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिले। और मैंने तो हमेशा कोशिश की है, चाहे मेरा इंटरनेशनल पेजेंट हो या मेरा नेशनल पेजेंट हो, मैं हमेशा कोशिश की कि उत्तराखंड के कल्चर की, संस्कृति की एक झलक मैं जरूर लेके जाऊं। मैंने हमेशा गढ़वाली सीखने की कोशिश की है, सीखने की क्या मतलब, जब बचपन से गढ़वाली होता है उसमें कुछ खास सीखना नहीं होता, तो गढ़वाली गाना मैंने हमेशा, चाहे मेरा टैलेंट राउंड मिस इंडिया का रहा हो या इंटरनेशनल पेजेंट का रहा हो, आई ऑलवेज टुक दैट फॉरवर्ड। एंड आई थिंक वो सुन के जो मेलोड, मतलब जो उसकी यू नो देयर इज अ फील ऑफ एनी सॉन्ग, तो वो लोगों को हमेशा उन्होंने सराहा है। और मुझे बहुत खुशी भी हुई कि जब उन्होंने मुझसे पूछा कि ये गाना आप जो गा रही है ये हिंदी तो नहीं है, कहाँ का है। सो इवेंचुअली यू नो जिन लोगों को, जैसे अगर कुछ लोग जो इसको प्रमोट कर सकते हैं, पीपल हु आर
फेमस पर्सनालिटीज बेसिकली सेलिब्रिटीज जो उत्तराखंड से हैं अगर वो हमारे कल्चर को ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी उसकी रीच ज्यादा होती है. जैसे जब मैंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपना गढ़वाली गाना गाया तो हजारों लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा, कई लोगों ने सोशल मीडिया पे पूछा, ऑन स्टेज पूछा कि ये गाना कहाँ का है. सो आई वेरी प्राउडली सेड कि ये गढ़वाल रीजन का ये जो गाना है और उत्तराखंड एक हमारा स्टेट है उसका गढ़वाल रीजन है, पर्टिकुलरली वहाँ का ये गाना है और इस गाने का मतलब ये है. तो मुझे उन लोगों ने एटलीस्ट जब गूगल किया होगा तो उन्होंने सर्च किया होगा गढ़वाल रीजन क्या है. दे मस्ट बी लाइकिंग दोस सॉन्ग्स. सवाल गढ़वाली में आपसे पूछ सकता हूँ, उसका जवाब मुझे गढ़वाली में मिल सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करती हूँ जी. तो थोड़ा गढ़वाली में स्टार्ट करते हैं. दगड़ियो आज अमरदगढ़ से उत्तराखंड के नौनी अनुकृति गुसाई जी और सीधा कोरदार बेटर लाइव अमरदगढ़ जुड़ी चे और आओ अगर थोड़ा गढ़वाली में जो हमारी क्षेत्रीय भाषा चे बात करना. तो अनुकृति जी थोड़ा हम सबसे पहले आप जो परिचय चे आपका गाँव नाम उजन चाहते क्या चाहे आपका गाँव नाम? कुलदीप म्यार गाँव नाम चे कंदोली. कंदोली मेरे म्यार पैतृक गाँव चे जे मैं म्यार दादा दादी रहना छिन. कंदोली बटी में छू. तब एक बाद मेरा दूसरे घर च लैंसिडॉन जगबाट में जगबटी मिल पढ़ाई करी अपन और वेक बाद मैं अपन पढ़ाई कर देहरादून गई हूँ. वगबटी मिल इंजीनियरिंग करी और अब मैं कोटद्वार में अपना सेंटर और पूरा पूरा प्रदेश हम अपना काम थे करूँ छो और कोशिश म्यार की मैं उत्तराखंड का लोकखंड अपनी कोशिश जारी रख लूँ. और एक बेटी होने के नाते उत्तराखंड एक बेटी होने के नाते हम यार कर्तव्य बिच मैं जरूर अपने प्रदेश खण अब अपनी माताओं खण अपने बहनों बहनियों खण ये जरूर कर लूं और आप सभी का बहुत प्यार और आशीर्वाद मैं आप सब से मांग रही हूं यहां पर जी. तो अनुकृति जी हम बताना चाहो कि आप बिल्कुल फेसबुक लाइव पर अभी जुड़िया छो और कद के दर्शक आप देखना छी और कमेंट भी लिखना छी कद गई जो गढ़वाली में डिमांड करना था कि गढ़वाली में बोलो तो यहाँ के मुलाकात दगड़ियो गढ़वाली गढ़वाली ये बात बहुत बार मुझसे लोग कहते हैं और उनको डाउट होता है कि ये लड़की बहुत शानदार अंग्रेजी बोलती है बहुत शानदार हिंदी बोलती है क्या ऐसे गढ़वाली आएगी. तो क्यों नहीं आएगी, मैं पैदा गढ़वाल में हुई, गढ़वाल की बेटी हूँ मैं, आप सबकी बहन या बेटी कुछ भी कहिए. और गढ़वाल अपनी संस्कृति से मुझे बहुत प्यार है और अपनी भाषा से मुझे प्यार है. मैं हमेशा हर किसी से कहती हूँ कि अपनी भाषा को बोलने में कोई शर्म नहीं है. अगर हम अपनी भाषा को नहीं आगे बढ़ाएंगे तो आगे वाली जनरेशन में जाके ये खत्म हो जाएगी. तो फिर हम क्योंकि हमारी जो गढ़वाली चीज ना वो लिखित भाषा तो छह नहीं. बिल्कुल 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 बिल्कुल. अगर हम हमला कर देते बुलड भी छोड़ दे आए तो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगी. तो मेरी ये प्रार्थना चाहिए हर एक युवा से हर एक उस नौजवान से कि आप सभी थे भी कोई शर्म नहीं आन चाहिए गढ़वाली. अनुकृति जी कभी कंडलिक साग भी खा रहा आपने? कंडलिक साग खैरा मिल खैरा जब मैं डुंगरी म्यार मेरे माँ जब वक्त टीचर है तो मुझे बढ़िया याद कि वक्त एक दादी रहन चाहे अभी भी अच्छा पिछली बार जो मैं राशन बटरों को आए हूँ तो दादी में थे मिल भी चे. तो सुंदरियाल जी रहते हैं एक ऊपर उनके नीचे वो दादी रहती है तो वो मुझसे मिली भी और व्यूल ऊल बढ़ाए छे मैं खंड कंडलिक साग और बाड़ी खाई. हाँ महपाल जी गढ़वाली का साग विच मीन नेटल ईयर. तो जो लोग नई गढ़वाली समझते हैं ये नेटल की सब्जी बनती है बेसिकली. यस यस महपाल जी आप पूछिए क्या पूछ रहे थे आप. थोड़ा मेरे पास समय भी कम है, 5 मिनट और कंटिन्यू करेंगे हम उसके बाद. ठीक है ना? मेरा प्रश्न ये था कि हम लोग अगर जो भी हमारे उत्तराखंड के लोग हैं जैसे बेसिक जो फोक सिंगर है और जो लोग इस तरह के प्लेटफॉर्म आना चाहते हैं इनके लिए अगर कोई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बने और उस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर जो है हम लोग इन सबको मैप कर दें तो अनुकृति अगर आप इसमें आपको अगर व्यूज है तो आई थिंक वो सबसे अच्छा होगा. किस कौन से प्लेटफॉर्म में कह रहे हैं आप? जिसमें हमारे उत्तराखंड के सारे के सर. मैं बोल देता हूँ आपका सवाल अनुकृति जी. महपाल जी का कहना है कि जितने भी हमारे उत्तराखंड के कलाकार हैं जो लोकली यहाँ पे चाहे बैंड बजाने से लेके ढोल बजाने तक हो उनके लिए एक अगर ऐप क्रिएट की जाए इस टाइप से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाए उनके लिए जिसपे अपनी वीडियोज डाल सके. अगर कोई भी वीडियो प्रमोशन करना चाहता कोई भी अपने आप को प्रमोट करना चाहता वहां पे वो अपने आप को प्रमोट कर सकता है. तो इस टाइप की
इस टाइप के प्लेटफॉर्म आप जरूर, हम लोग ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, बट उस प्लेटफॉर्म देखिए क्या होता है ना, कभी कभी धरातल पे बात करनी चाहिए। अगर हम हवा में बात करेंगे कि हम एक एप्लीकेशन बना दे उसमें वीडियो डाल दे, कौन देखेगा उस वीडियो को? माई पॉइंट इज कि जब तक हम उसको उस प्लेटफॉर्म को उतना बढ़िया पब्लिसाइज ना करें, मतलब उस प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग होनी पहले जरूरी, आप समझो, और उस प्लेटफॉर्म से लोग हमारे उन कलाकारों को हायर करें। मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ सिर्फ कलाकारों को प्रमोशन, कलाकारों को हायर करें, बिल्कुल, जो मैं आपको समझ पाई हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि उनको आर्थिक मजबूती भी मिले, अनुकृति जो 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 हमारा जो जो हमारा प्लेटफॉर्म जो हम बात कर रहे हैं ऐप की, उसमें पेमेंट वॉलेट भी होगा और उसमें परफॉर्मेंस भी होगा, दोनों होगा। सपोज हम कहते हैं कि किसी हमने ये आप yes. ये rather than this, I think, हाँ, हम एक ऐसा एप्लीकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं उत्तराखंड का, जिस ऐप के माध्यम से अगर सपोज करो मेरे घर में शादी है और मुझे, मैं चाहती हूँ कि किसी मुझे स्टेज परफॉर्मेंस चाहिए और मुझे कोई गढ़वाली सिंगर या गढ़वाली आर्टिस्ट चाहिए उसके लिए, तो मैं उस एप्लीकेशन से उसकी बुकिंग कर सकती हूँ, उसके पर्टिकुलरली जो उनके चार्जेस होंगे, जो उनकी इनवॉइस होगी। ये आई थिंक ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंटरनेशनली भी बहुत सारी कंट्रीज में इस तरीके से आर्टिस्ट कनेक्टेड रहते हैं, तो ये हम उस मतलब राधा दिन की ये हम इसको किसी और उससे जोड़ने से बेहतर है कि इसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से जोड़े। फाइनेंशियल, आपको क्या लगता है कि एक हम ऐसा एप्लीकेशन बनाए जिसमें वो सारे हमारे सिंगर्स की लिस्ट एक सेग्रीगेशन हो, हमारे डांसर्स, हमारे जो हमारे बैंड वाले होते हैं, हमारे दमो ढोलक दमो वाले जो होते हैं, उन सबका एक कैटेगरी हो, और अगर वहां से कोई अपनी शादी के लिए किसी को बुक करना चाहता है तो वो ऑनलाइन बुक कर ले और वो अमाउंट सीधे उन लोगों को पहुंच जाए। आई थिंक इस तरीके से हम कुछ डेवलपमेंट जरूर। मैं बात करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया और उम्मीद मैं करता हूँ कि आने वाले टाइम पे हमारा जो फ्यूचर है वो उत्तराखंड का, हम युवा उसको आगे लेके जाएं, चाहे देखिए आप भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो टेक्नोलॉजी इस टाइम पे ऐसा माध्यम है जिसमें हम पहाड़ में रखी हुई दाल को जो है अमेरिका तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, तो मैं सोचती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट माध्यम है, जैसे मैं आप जैसे हम लोगों ने येलो हिल्स बनाया है, और अगर जैसे महिपाल जी भी बात कर रहे थे, तो इस तरीके का एप्लीकेशन हम डेवलप कर सकते हैं। आई थिंक ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये अगर हमारे पहाड़ों तक पहुंचेगा तो बहुत फायदेमंद होगा। ईज ऑफ बिजनेस है, और मैं कहूँ ईज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज अगर टेक्नोलॉजी को जब तक हम नहीं अपनाएंगे तब तक ग्रोथ को अपनाना बहुत मुश्किल है। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आई थिंक आप इस बात को कनेक्ट भी कर पाओगे। बिल्कुल जी, चलिए आज के लिए इतना ही, और देखते रहिए हमारा चैनल पहाड़ों का राई, और उम्मीद करते हैं अनुकृति गोसाई जी जब नेक्स्ट टाइम धुमाकोट आए या कभी रिखणीकाल ब्लॉक में आए तो उनका हम एक फेस टू फेस इंटरव्यू भी लेंगे आप लोगों के सामने, बिल्कुल उसको भी रखेंगे, अभी तो दूर से कनेक्टेड है। तो सी यू सून अनुकृति जी, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।